नमस्कार, सुजाता'स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ हरे मटर की मसाला पूरी की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल आटा, गेहूँ का आटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आधा बाउल लिया है मटर, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और मैंने इसमें एक मिर्च भी, हरी मिर्च भी ऐड करी है, इसे हमने पीस लिया है। और हम मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आप 2 चम्मच ऐड कर लीजिए बारीक कटा। जितना आप आटा लेंगे उसके अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 छोटा चम्मच ऑयल, 2 सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी पूरी जो है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब डालते हैं इसमें पानी। पानी को इकट्ठा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे से डालें और इस तरीके से मिक्स करते रहें। हमने आटे का सख्त डो तैयार करना है, तो इस तरीके से हम इसे गूंथ लेते हैं। ये हमने डो तैयार कर लिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा रेस्ट करके एकदम सेट हो गया है। तो हम अब ले लेते हैं आटा। छोटी छोटी लोई हमने लेनी है, ज़्यादा बड़ी हमें लोई नहीं लेनी, छोटी छोटी लेनी है। और लगा लेते हैं इसमें ऑयल। इसे आटे की लोई को हम कर लेंगे चिकना, और बेलन में भी हमें ऑयल लगा लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी बना ली है, ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली ऑयल पूरी हमें बनानी है। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, हमने एक टुकड़ा आटा डाल के देखा तो आटे का टुकड़ा तलकर ऊपर आने लगा है, तो ऑयल हो गया है तैयार। थोड़ा पूरी हमने बेल के रख ली है, तो हम जल्दी से इन्हें तल लेते हैं। पूरी को इस तरीके से हमें स्पून से दबाते रहना है, प्रेस करना है धीरे धीरे, और दोनों तरफ से इसे हल्का ब्राउन होने तक तल लेना है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हरे मटर की पूरी की रेसिपी, मसाला पूरी की रेसिपी कैसी लगी। बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक कमेंट्स मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी में। और यहाँ पे हमारी मसाला पूरी हो गई है तैयार, तो इसे आप किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।